कांग्रेस में आप देखो सदस्य जाने के बाद में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता हर नेता में विरोध है बहुत ज़्यादा। भाई धर्मेंद्र यादव की तो साफ साफ दिख रही है, वो मतलब क्या नाम है, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचने दिया धर्मेंद्र को, तो पहुँचने दिया ईवीएम वो धर्मेंद्र भाई कहते रहिए कि ईवीएम वहाँ से ईवीएम हटा रहे हैं, कोई जानती हूँ कहीं नहीं जानती हूँ। देखिए ना शासन में कोई सुनवाई है ना प्रशासन में कोई सुनवाई है, अब तो जनता बताएगी इनको समझाएगी, 2024 का चुनाव आ रहा है और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगा और जनता के पास एक अपनी मत है और अपनी मत के द्वारा मतलब इनको बदलेंगे और बदल के दूसरी सरकार बनाएंगे, जनता ने मत बना रखा है। नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हर रोज़ की तरह हम आपको आज फिर दिखाएंगे किस्सा कुर्सी का, यानी 2024 लोकसभा चुनाव जहां पास में है तो जनता किसकी तरफ जाती है, किसको वोट करती है और जनता के बीच में जो चुनावी मुद्दे थे उसमें बीजेपी कितना सफल हुई। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हम जनता के बीच में और जानते हैं जनता की राय भी मांग लूँगा। अब सावरकर के बयान से क्या कुछ लगता है कि देश में राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी बयानबाजी में बहुत आगे हैं और लगातार पक्ष उनको घेरता है भी इस मामले में। देखो ये राहुल गांधी का अपना खुद का बयान है, लेकिन हम इसे मानते हैं कि सावरकर का मुद्दा उसे ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वीर सावरकर पुरानी बात हो गई कब की, उनका अब राजनीति में कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे भी राहुल गांधी जी को भी थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। जी हमारे बीच में कुछ और लोग मौजूद हैं। भैया 2024 में आप किधर जाएंगे और किस चीज़ को अपना मुद्दा बनाएंगे, कैसी सरकार आप चाहते हैं और किस तरीके अपना जो आपके यहाँ के सांसद हैं विधायक वो किस तरीके से चाहते हैं आप? हम तो किसानों की सरकार चाहते हैं जी, हम किसान हैं और ये जो सरकार है किसानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि किसान की तो सुनी नहीं जा रही, इसमें किसान का कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं है, तो जो सरकार किसान की सुने हम तो वो चाहते हैं। तो 2024 में आपको लगता है सत्ता परिवर्तन होगी या लोग बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं वैसे होना चाहिए, मेरा मानना ये है होना चाहिए। कौन आएगा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा अगर विपक्ष एकजुटता से एक साथ आता है, क्योंकि कोई पार्टी विशेष नहीं चल रहा है इसमें, लगभग 18-18 की पार्टियां एक साथ चल रही हैं, आप चाहे टीएमसी ले लें, चाहे कांग्रेस ले लें, चाहे सपा ले लें, चाहे आरजेडी ले लें, तो सब एक साथ आ रहे हैं। आपको लगता है इसमें किसी का चेहरा जो आपको लग रहा है कि देश को नेतृत्व करने के लायक रहेगा वो? अब तो राहुल गांधी का जो मतलब वो मेहनत भी कर रहे हैं काफ़ी, उनका अच्छा वो है तो राहुल गांधी का अब तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई ना, उनको 2 साल की सजा भी हो गई है, लगभग 6 साल वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राजनीति में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका अब जो चल रहा है जो उनका वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ये तो एक तरफा राज हो रहा है इनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है क्या इस पर कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस पर या कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेहनत की भी आप ही बता रहे हैं कि लगभग 15-16% उनकी मेहनत का असर पड़ेगा जरूर, तो लगता है इनकी सदस्यता जाने से कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस पे? हाँ पड़ेगा, कांग्रेस में आप देखो सदस्यता जाने के बाद में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता हर नेता में विरोध है बहुत ज़्यादा, वो जाग रहे हैं धीरे धीरे, पहले तो इतना था ना, लेकिन उसका रोष है बहुत बड़ा, तो इसमें उसके लिए राहुल गांधी के आसार बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी भी देखो पढ़ा लिखा नेता है, ये कोई पप्पू कह देता कोई कुछ कह देता, ये राजनीति बात है सब कुछ नहीं है, आप भी जानते हो राहुल गांधी के सामने कोई बैठ के तो बात करे, अलग अलग ही तो बातें होती हैं, वो भी पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पप्पू बता रहा कोई कुछ बता रहा, इनसे थोड़ी काम चलता। अच्छा आपको नहीं लगता कि इस समय बीजेपी जो है बीजेपी से विपक्ष डरा हुआ, क्योंकि अगर राहुल गांधी को रायबरेली छोड़ के वायनाड जाके वहाँ से उनको लड़ना पड़ता है तो क्या इसमें कुछ है कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी की वापसी होगी फिर से? देखो ये सत्य है विपक्ष डरा हुआ, ये आपको भी दिख रहा है, आप भी जानते हो इस बात को, क्योंकि एक बात बताओ सारा ही विपक्ष बेईमान है, सारा ही विपक्ष चोर है, जो सत्ता पक्ष है उसमें कोई चोर नहीं है, कोई नेता भी ऐसा नहीं है, ये तो एक हकीकत में तानाशाही वाली राजनीति है, ये आपको माननी पड़ेगी, आप भी जानते हो इस बात है तो कि विपक्ष में ही सारे चोर हैं, चुन चुन के आपके सामने सबको चुन चुन के टारगेट किया जा रहा। अच्छा अभी आप देख लें सदन में जिस तरीके से केजरीवाल ने पीएम मोदी को ऊपर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबसे भ्रष्ट नेता अगर कोई तो वो पीएम मोदी हैं, अडानी तो उनका एक मोहरा है, अडानी तो उनके मैनेजर हैं, सारा का सारा पैसा पीएम मोदी का लगा है और अडानी केवल इसकी मैनेजरी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ ऐसा उनकी केजरीवाल की बातों को सच्चाई थी? देखो जो अडानी वाला मुद्दा उसमें तो सच्चाई है,
लेकिन जैसे थोड़ा जो उसमें आके या उसमें कम पटेल का प्रधानमंत्री, ये शब्द अच्छे नहीं है, ये शब्द अच्छे नहीं है किसी के लिए भी नहीं है। तड़के केजरीवाल भी बन सकता, आप भी बन सकते हो, किसी के लिए अब शब्द बोले तो वो ठीक नहीं। फिर क्या, फिर तो सब बराबर हो जाएंगे। अडानी वाले में सत्यता है 2024 में जी, बात करी ना आपने स्मृति ईरानी की, जब 450 को सिलेंडर तो ना सिर पर ले घूमे कर रही नहीं, अब 1100 से ऊपर हो रहा, बोलती नहीं इस मामले में, जिगर नहीं करती बिल्कुल, तब सिर पर लिए न्यू डोले कर रही ना डोले ही रायबरेली चलो, उसमें मैंने देखा उधर जाके बनी हुई है ना, उसमें लोगों ने 8 रुपये इधर रखे हैं, क्यों भाई सही नहीं बनी हुई, उनका गटर नहीं बना हुआ सही, 8 रुपये इधर धरे देखे मैंने, रोटी आटे धरे देखे हैं लोगों ने, बस ऐसा करके। सर पीएम मोदी लगातार कहते रहते हैं कोरोना काल उन्होंने लोगों की मदद की, और लगभग 2 करोड़ शौचालय मैंने फ्री बनवाए, 2 करोड़ शौचालय जो फ्री बनवाए, इस पर क्या कहेंगे आप? 2 करोड़ शौचालय उन्होंने फ्री दिए, गरीबों को उन्होंने राशन दिया, गरीबों को उन्होंने आवास दिया। मैंने बुलंदशहर भी देखा, उधर देखा लोगों ने रोटी और सब्जी रख रहा में, वैसे बंद करने को वो क्यों चालू नहीं है, क्योंकि उनके नीचे गटर नहीं है प्रधान। चलो आपकी बात हमने मानी और प्रधानमंत्री की मानी, नहीं चाचा मेरी बात नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री जिनको आप लोगों ने वहाँ पे बैठाया है, प्रधानमंत्री ने ये बोले हैं, हमने माना दिए। ऐसी सरकार आप बताओ पीछे से जब से देश आज़ाद हुआ है कि किसने योजना ना दी इस देश के लिए, किसने योजना दी बताओ, आप बता सकते हो ना इस बात है? अगर दिया तो उसका गुणगान क्या है, दिया तो अच्छी बात है, तो आपने दिया तो इसका मतलब क्या करना चाहते हो, बंधक बनाओगे सबको, तानाशाही करोगे, दिया तो क्या है कोई इसमें कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव को आप ले लें, अखिलेश यादव जिस प्रकार से लगातार पक्ष पर प्रहार करते रहते हैं, अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि बीजेपी जो है वो किसी एक पार्टी को पकड़ती है, चिन्हित करती है किस पार्टी के है, उस हिसाब से कार्रवाई होती है। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में लगभग 40 प्रधानों के ऊपर कार्रवाई हुई, ये इसका पूरा प्रमाण है कि बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा है नहीं दिख रहा क्या, एक एक को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। अभी मैंने बताया कि सारा विपक्ष ही बदमाश है, क्या सारा विपक्ष हो रहा है, इनमें कोई है ही नहीं, ये तो आपको भी दिख रहा है। अब एक बात बताओ आप, रामपुर तो जानते हो, रामपुर में सच्चाई से चुनाव करवा लो, अगर ये जीत जाए तो जब बता दें इनकी एक भी वोट नहीं है वहाँ पर, और वहाँ भी जीते हैं ये, तो देखो सही क्या हो रहा, आप भी लगा सकते हो वहाँ किसकी वोट है। तो एक एक विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं ये सबको एक एक करके, और इसीलिए विपक्ष अब एक हो रहा है, पहले थोड़ा फर्क था लेकिन अब एक हो रहा सब। अच्छा भैया 2000 अभी जो चुनाव हुआ 22 का, इसमें अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आजमगढ़ छोड़ के भागे, उनके आजमगढ़ छोड़ के अखिलेश यादव भागे, निरहुआ एक प्रत्याशी था वो फिर से आया, धर्मेंद्र यादव वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए, धर्मेंद्र यादव को हराया उसने, क्या कुछ कहेंगे भाई? धर्मेंद्र यादव की तो साफ साफ दिख रही है वो, मतलब क्या नाम है, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचने दिया धर्मेंद्र को, तो पहुँचने दिया ईवीएम वो धर्मेंद्र भाई कहते रहिए कि ईवीएम वहाँ से हैट ईवीएम हटा रहे हैं, कोई जान दिया हूँ कहीं नहीं जान दिया, वो कहते रह गए चिल्लाते रह गए, पर किसी पुलिस वाले ने ईवीएम तक उन्हें पहुँचने नहीं दिया वहाँ तक। तो आपको क्या लगता है 2024 में किधर जाएंगे आप? हम तो साइकिल के साथ रहेंगे। तो लगातार युगित कहते रहते इनके राज में भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, कैसे? योगी लगातार कहते रहते हैं कि पहले की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, गुंडा राज था, हर जगह आतंक का माहौल था, हर त्यौहार पे दंगे होते थे, लोग आपस में बढ़ जाते थे, जबकि सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आप फिर क्यों चाहते कि आप सरकार सपा की जाते हैं आप? अब तो ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। प्रधान जी बताओ, प्रधान जी बताइए जी, क्या नाम आपका? सतपाल प्रधान जी। यहीं रहने वाले हैं आप? जी बेलालपुर गाँव के प्रधान हैं आप। तो आप यहाँ की जो गाँव की समस्याएं, अभी चाचा ने बताया, भैया ने बताया, आप इन समस्याओं को लेके जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो महेश शर्मा हो सांसद यहाँ के, चाहे पंकज सिंह हो यहाँ के विधायक, आप कभी गए उनके पास? जी काफ़ी बार गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, किसान और क्षेत्रवासी सभी परेशान हैं। सबसे पहले तो मुद्दा है किसानों का, जो ज़मीन थी किसानों की वो नोएडा अथॉरिटी ने ले चुकी है, नोएडा अथॉरिटी। अथॉरिटी के खिलाफ आप लोगों ने कुछ जांच करवाई, या अथॉरिटी पे आप लोगों ने प्रदर्शन किया, या अथॉरिटी पे जाके आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? देखिए ना शासन में कोई सुनवाई है, ना प्रशासन में कोई सुनवाई है,
अब तो जनता बताएगी इनको, समझाएगी। 2024 का चुनाव आ रहा है और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगा, और जनता के पास एक अपनी मत है और अपनी मत के द्वारा मतलब इनको बदलेंगे और बदल के दूसरी सरकार बनाएंगे। जनता ने मत बना रखा है, क्योंकि जनता परेशान है, दुखी है, कोई काम नहीं हो रहा। बीजेपी तो लगातार कहती है कि महंगाई कम हो रही है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं, या आप कह ले कि हम कोरोना काल में लगभग सबको राशन दिए, वैक्सीनेशन हमने फ्री में किया, तो कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी लगातार कह रही है कि युवाओं को रोजगार दिया हमने 5 लाख ज़्यादा, योगी सरकार बताती है कि हमने नौकरियाँ दी युवाओं को। देखिए, रोजगार तो आप सबके सामने है, देश प्रदेश के पूरे के सामने है, कहीं कोई रोजगार युवाओं को नहीं मिला, युवा भटकते डोल रहे हैं। दूसरी बात जो विकास की आती है, विकास कहीं कोई एक ऐसा विकास बताएं ना, प्रदेश में हम प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश में एक विकास तो ऐसा बताएं कोई नया विकास करा हो। ये तो बताए कि लगभग 4 से 5 हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिए, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और मेट्रो, कानपुर में उन्होंने मेट्रो दिया। ये मेट्रो भी पहली वहाँ काम चल रहा था, मेट्रो का मेट्रो जो लाई गई वो पिछली सरकारों ने लाई, जो पीछे सरकार नहीं है, मेट्रो का जो काम यहाँ वहाँ स्टार्ट करवाया वो पिछली सरकारों ने करवाया। बुंदेलखंड की बात रही, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वो भी पिछली सरकार का काम चालू था। अच्छा, जो इन्होंने इतने एयरपोर्ट दिए, ये कहते हैं कि आज 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में बन रहे हैं, जैसे अभी आपके बगल में जेवर एयरपोर्ट है, तो ये तो ये भी कहते हैं पहले एयरपोर्ट नहीं थे। देखिए, अब जो शासन जिसका चल रहा है वो इतना कुछ ना कुछ तो करेगा। अभी एयरपोर्ट की नींव रखी है, कई साल से चल रहा है एयरपोर्ट, आज बन रहा है कल बन रहा है, एयरपोर्ट की अभी नींव रखी है, जबकि अभी वहाँ एयरपोर्ट के लिए ज़मीन भी उपलब्ध नहीं है। अभी तो किसान ही राजी नहीं है ज़मीन देने के लिए, और किसानों के लिए कुछ तो हो, एयरपोर्ट बन रहा है बड़ी अच्छी बात है, ये तो सौभाग्य की बात है भाई, हमारे पास में एयरपोर्ट बन रहा है, ये तो खुशी की बात है, अच्छा है सरकार ऐसा काम करे, तो इसमें तो जनता के हित की बात है। लेकिन जनता के हित की बात साथ में ये भी तो है कि जिन किसानों की ज़मीन ली जा रही है उन किसानों के कुछ बच्चे तो ऐसी जगह मतलब जो वो लगाए जाएं कि जो उनको रोज़गार मिले। भाई, किसान से ज़मीन ली जा रही है, बदले में पैसा दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में पैसा तो किसान पर रुकता नहीं है। लेकिन कोई बच्चा घर से ऐसा तो हो कि जो मतलब जो वहाँ पे नौकरी कर सके और अपने जीवन को व्यापन कर सके। जी, 2024 जो सरकार के वादे थे, 2017 में जो उन्होंने किए थे, आपको लगता है कि वो सारे इनके वादे धरातल पर आए? जो जितने भी वादे करें, कोई से को उठा कर ले लो, आज तक कोई एक भी वादा उनका 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए? किसके अकाउंट में आए? देखो, जनता है, जनता से आप किसी से पूछो, आप वही जनता है, जनता से किसी से पूछ सकते हो, अगर कहीं 15 लाख रुपया हो या जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हुआ हो, कई गुना बढ़ चुका भ्रष्टाचार, हर सरकार में होता है लेकिन इन्होंने कई गुना बढ़ा दिया। अच्छा, मोदी जी लगातार कहते रहते कि कांग्रेस 70 साल में देश को लूटती गई। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो सरकारें बनी, भाजपा की भी बनी, कांग्रेस की भी बनी, और सरकारों ने काम भी किए, सुई से लेकर जहाज तक देश में पैदा करा। भाई, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या छोड़ गए थे? कुछ भी नहीं। तो आज की तारीख में तो देश में बहुत कुछ है, देश हमारा बहुत उन्नति कर चुका। अब जो विकास की बात आती है, तो जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा, इन्होंने 7 साल में ही वो करके दिखा। जैसे कि मतलब लूट कर रख दिया देश। क्या लूटा देश में? अब भैया मेरे, एयरपोर्ट और ये ट्रेन, जो भी जो हमारे देश का सब कुछ बिक चुका। टोटल जो हमारे RBI का पैसा है वो एक ही आदमी को दे दिया, 2 आदमी इनको दे दिया पूरे देश का पैसा। अब 2 आदमी के पीछे सारा देश खाएगा, बताओ कहाँ से मतलब इन बच्चों ने कैसे पालेगा आदमी। अच्छा, लगातार UP में इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, अभी इन्वेस्टर समिट हुई, लगभग 33 लाख करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, और बीजेपी ये भी कहती लगातार कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी। पहले की सरकार में लोग उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट करने से कंपनी डालने डरते थे। ये गलत बात, ये एक कंपनी तो बताएं, कोई एक भी कंपनी इन्होंने नहीं बनवाई हो, एक भी कंपनी यहाँ आई हो। अब कहने को तो वादे तो दुनिया करती है, और शायद पिछली सरकारों ने इतनी कंपनियाँ लगवाई, इतना रोजगार दिया कि लोग खुश थे, आवाज थे,
पिछली सरकार जो सपा सरकार रही है उन्होंने इतने काम कराए हमारे प्रदेश में, इतने रोजगार दिए, उससे युवा खुश थे। चाचा 2024 चुनाव लोकसभा पास में है, जहाँ एक तरफ विपक्ष एकजुटता से दिख रही है इस समय, वहीं बीजेपी भी अपने चुनावी मुद्दों को बता रही लोगों को। उसने जो काम किया वो बता रहा है। बीजेपी लगातार कहती है कि रोजगार हमने युवाओं को दिया, युवाओं को मौका मिला, उत्तर प्रदेश में कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो आप इस सरकार से कितना खुश हैं? मैं पूरा खुश हूँ, पूरा बीजेपी की सरकार से पूरा खुश हूँ। बेसिकली रहने वाले कहाँ के आप? मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, औरैया से, और अभी फिलहाल यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, बदरपुर। औरैया का सांसद कौन आपका? इतना तो याद नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पर एडजस्ट हो गया हूँ। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं का आपके ज़िले औरैया में वहाँ पे धरातल पे दिखता है? औरैया में एक्चुअल मेरा जाना आना कम है, लेकिन फिर भी कभी जब जाता हूँ तो रोड वगैरह ये सब बहुत अच्छा लगता है। योगी सरकार लगातार कहती रहती है कि कानून व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर दी है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है। विपक्ष तो कहता है कि जैसे इस सरकार में दंगा ज़्यादा हो रहा है, इस सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। गलत कह रहे हैं, बल्कि पहले चोरी, बदमाशी, हेराफेरी, लूटपाट ये आए दिन होता रहता था, जो कि अब काफ़ी हद तक लगाम लगी है। आपको लगता है कि सरकार में रोज़गार बढ़ा है, युवाओं को मौका मिल रहा है? रोज़गार के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो नए लोग ही बता सकते हैं इस बारे में। तो आप लगभग 2024 में किसकी तरफ जाना चाहेंगे, किसको वोट करना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी को करना चाहूँगा। बीजेपी को वोट करना चाहेंगे। हमारे बीच में कुछ और लोग बात करते हैं। चाचा 2024 चुनाव किस समीकरण पे आप देखते हैं? जी हमें तो सबसे बढ़िया ये लग रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हमारा समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। और रही रोजगार की बात, जैसे सिलेंडर हैं वो महंगे हो रहे हैं इस टाइम, थोड़ा सिलेंडर कम हो जाए तो और अच्छा बात रहेगा। विपक्ष तो लगातार कहता है कि महंगाई से जनता त्रस्त है, योगी की तानाशाही जनता त्रस्त है, हर किसी बुलडोजर चलवा देते हैं ये। तो बुलडोजर तो उन पर चल रहे हैं, जो गरीब आदमी पे कहाँ चल रहे हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उन पर चल रहे हैं। आम आदमी किस पर चल रहा है बताओ, हमें किसी पर चल रहा ही नहीं आज तक, जो गुंडागर्दी करते हैं उन्हीं पर चल रहा है। तो बुलडोजर नीति से आप खुश हैं? हाँ, उससे हम खुश हैं जी। लोगों के घर उखाड़ दिए जाते हैं, मान लीजिए बुलडोजर बदमाशी आपने किया, घर मेरा उखड़ रहा, हम भी आपके भाई हैं, तो उसमें गलती आप क्या है? नहीं, उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिन जो बदमाशी कर रहे हैं उनका ही उखड़ना चाहिए, घर जो टूटना है वो उन्हीं का टूटना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजियाबाद का हूँ। गाजियाबाद में सांसद कौन है? सांसद जी, सांसद तो पता नहीं मुझे। विधायक? ना, इसका भी नहीं पता। तो आपके गाजियाबाद में विकास कैसा है, धरातल में विकास दिखता, सरकार की योजनाओं को आप लाभ ले पाते हैं? ना जी, हमारे यहाँ तो खरंजे वरंजे बाकायदा बढ़िया हो रहे हैं, सब बढ़िया हैं। लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट बिल्कुल सही आ रही है जी। 24 में किसको आप चाहते हैं? बीजेपी को चाहूँगा जी। बीजेपी क्यों चाहते हैं? ये बीजेपी तो कानून व्यवस्था सही है, हम लोग सही जाते हैं। पहले एक बार मैं गया था, मेरा मोबाइल भी छीन लिया था, अब कोई ऐसा है नहीं कुछ भी, अब सही है। राहुल गांधी प्रभावित हैं आप उनकी पैदल यात्रा से, जो गए वो पूरे देश का भ्रमण किया उन्होंने, हर समुदाय के लोग उसमें मिले, तो आपको लगता है कि कुछ वो इम्पैक्ट उनका डालेगा चुनाव में? हो सकता है जी, ऐसे भी मुझे जब 70 साल से चल रही है तो जो डाले क्या पता इस बात का। तो 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, तो आप चाहते हैं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने कि विपक्ष में कोई आए? वैसे मोदी बनना चाहिए। मोदी क्यों बनना चाहिए? उसके कारनामा कुछ सही है और कुछ कारनामा गलत भी है। क्या सही है और क्या गलत, कुछ बताएंगे? हाँ जी, कारनामा ये है कि रास्ते में हम घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, चोर लवार गुंडे छिनरे नहीं है, ये कारनामा सही है। कुछ कारनामा ये है कि गरीब आदमी को रोज़गार भी नहीं है और कुछ चीज़ों पर महंगाई भी है। गरीब आदमी जैसे अब रोड पर झोपड़ पट्टी डाले पड़े हैं, कुछ ठेली वाले इनको हटा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ में क्या माहौल इस समय? अब रहते हम ग्रेटर नोएडा में, अलीगढ़ का क्या माहौल बता सकते हैं। आपका गृह जनपद अलीगढ़ है, अलीगढ़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वहाँ के विकास के बारे में आपको जानकारी नहीं है? वहाँ भी विकास कुछ नहीं है, विकास वहाँ के विधायक जो मैंने कहा अरे कल्याण सिंह का नाती है हमारे यहाँ विधायक, उसने तो कुछ करके दिया नहीं है अभी तक। किस पार्टी का है? बीजेपी से ही है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नीति अच्छी है? बीजेपी की नीचे वाले ही गड़बड़ कर रहा है, ऊपर वाला थोड़ू कर रहा है, तो किसी को दोष दिया जाए भाई? एक बार बताओ, नीचे वाले
ऊपर से आ रहा है, नीचे वाले दाब रहे हैं, नीचे वालों को वो टैकल किया जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? बीजेपी हम चाह रहे हैं, और एक बार नहीं अभी चार बार होनी चाहिए, ये भी हम चाह रहे हैं। भैया आप किधर जाना चाहते हैं 2024 में? देखो पार्टी तो खैर बीजेपी की आएगी, जीत तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। क्या विकास किया योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में? देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ को एक चीज़ का टारगेट उन्होंने लिया है। किस चीज़ का? जैसे मान लो हमारे हाईवे हैं जी, अब हमारे हिंदुस्तान में स्पीड बढ़ी है गाड़ियों की भी, पहले बहुत स्लो चलती थी। और हमारे यूपी में योगी बाबा हैं, अपना प्रशासन को भी सुधार रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं वो। अखिलेश लगातार बोलते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं कि जितने भी हाईवे थे, जितने भी एक्सप्रेसवे थे, जितने भी एयरपोर्ट थे, सब हमारी सरकार में ही, केवल योगी जी जाके फीता काटते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मान लो मैं चलो एक आम आदमी हूँ, मैं कह लूँगा ये रोड मैंने पास कर दी, लेकिन उसमें करवाएगा कौन? इसको पास तो हो गई भाई, पैसा भी तो आना चाहिए सरकार के पास में। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना उस पर भी लगातार सपा वाले यही कह रहे थे कि ये काम जो है, ये एक्सप्रेसवे जो है, ये पास हुआ सपा की सरकार में, और इसका जो श्रेय है वो ले रहे हैं योगी। भाई सपा की सरकार आई नहीं तो बनाएगा कौन उसको? जो फिलहाल अवेलेबल है सरकार वही तो बनाएगी। ऐसे तो पास करने के लिए तो कोई भी सरकार पास कर सकती है उसको, लेकिन काम तो करना बीजेपी का। बिल्कुल काम करना चाहिए। चाचा 2024 चुनाव पास में है, तो आप क्या चाहते हैं या सरकार के काम से कितना खुश हैं? सरकार के काम से जब खुश हों, जब हमारा कोई काम हुआ हो। हमारे यहाँ MP और MLA बिल्कुल नाकारा सोच, किसान विरोधी बिल्कुल एकदम, ना उन्होंने कुछ कराना है, ना आज तक वे किसी भी मुहिम में किसी के साथ या किसी का कोई काम अगर इन्होंने कराया हो तो वोट दे देंगे। और MP का काम तो ये है, जाति को जाति से लड़ाने का काम करता है MP। यहाँ का जो MP है जाति से जाति को लड़ाया। क्या नाम है आपके MP का? MP का नाम है डॉक्टर महेश शर्मा। महेश शर्मा आप लोगों के बीच में आते हैं, जनसमस्याएं सुनते हैं? आज तक भी नहीं आया, पूरी 10 साल निकट गई, 5 साल को छोड़े 10 साल निकट गई, आज तक भी किसी के पास गया हो किसी काम के लिए? अब मैंने तुम्हारा ये काम करा दिया, कोई काम नहीं कराया आज तक, कोई भी नहीं बुलवाया उसने। अब 4 महीना अथॉरिटी पर हैं, जब कोई वो मिलने तक नहीं गया, यहाँ तक कि लेडीज भी 4 महीना तक धरती पर रही हैं। और ये आदमी तो जाति से जाति लड़ाने का इसका पूरा प्लान है, इसने एक ही जाति को कर रखा, सिर्फ पंडित जाति को, बाकी और किसी का कोई लेना देना नहीं है इससे। आपको लगता है कि जैसे PM मोदी भी कहते हैं कि यार इस सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबके साथ हम चल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष किसी समुदाय के साथ नहीं चल रहे हैं, अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं महेश शर्मा केवल एक जात समुदाय के साथ चल रहे हैं, तो कहां तक आपकी बात में सच्चाई है? पूरी सच्चाई है, हम चल रहे हैं। हम महेश शर्मा के सामने कहेंगे, कोई पीछे की बात थोड़ी है। महेश शर्मा से कहेंगे बताओ तुमने किसका काम कराया, जो एक भी क्षेत्र में एक भी काम कराया उसके लिए हम तैयार हैं। अब ये नाड़ी खरंजान के रिबन काटते डोले, नाड़ी खरंजा तो हमारी जमीन की है, हमारा विकास है वो। विधायक कौन यहाँ का? विधायक पंकज सिंह है। पंकज सिंह भी नहीं आते आप लोगों के बीच में? कोई नहीं आता, पंकज सिंह भी नहीं आते, 4 महीना में एक बार भी पंकज सिंह यहाँ अथॉरिटी पर मिलने नहीं आए किसी से। चाचा जिस तरीके से चाचा काफ़ी आक्रोशित भी हैं, बता भी रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो लोगों के बीच में नहीं पहुँचते। बात की जाए पंकज सिंह की, पंकज सिंह तो अभी एक युवा है और लोग कहते हैं कि पंकज सिंह के चाहते बहुत हैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं, और शायद सबसे ज़्यादा वोट से जीतते भी नोएडा से हैं, आपके यहाँ जीतते हैं वो, प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट जीते हैं, तो ऐसी उनमें क्या कमी है जो आप लोग बीच में आते नहीं? आप लोग उनसे मिलने की कोशिश कभी की आप लोग मिले? देखो पिछले साल हमारा आंदोलन चल रहा था O30 पे, वहाँ पे पंकज सिंह और जैसे त्यागी जी ने बताया अभी, पंकज सिंह और विधायक दोनों सांसद दोनों आए थे वहाँ पे और वादे किए थे उन्होंने हमारे सब चीज़ के किसान के लिए, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और बिगर मतलब और बिगर वोट के लालच के तो किसी के बीच में आते ही नहीं है वो। ठीक है अपना एजेंडा उन्होंने चला रखा अपना, आपसे या सबसे मिलजुल कर अपनी। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि आते नहीं है या, तो इतना बड़े अंतर से इतना ज़्यादा और जीते कैसे हैं वो, अगर लोगों के बीच में पहुंचते नहीं हैं, अपनी बातें रखते नहीं हैं, विकास करते नहीं हैं। फिलहाल मैंने भी देखा है बैदलपुर गांव में विकास जो है, जो PM मोदी कहते हैं विकास की गंगा बह रही है, हमको तो इस गांव में विकास नहीं दिखा। क्या कहेंगे इस पर आप? पंकज सिंह अगर इतने वोट जीते हैं तो कैसे जीते अगर आप लोग बीच पहुंचते नहीं हैं, समस्याएं सुनते नहीं हैं? तो तुम छोड़ दो जो कितने वोटर से जीते, ये सब जानते हैं, जो यहाँ का वोटर है ना वो सब जान रहा है कितने वोटर से जीते, और नहीं तो अब फिर का इलेक्शन करवा देना निष्पक्ष इलेक्शन, पता लग जाएगा कि कौन कितने वोटों से जीता। हाँ अच्छा क्या कहेंगे आप पंकज सिंह के बारे में, यहाँ के जो सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, लोगों के बीच माते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं? या काम ना करते बिल्कुल मारे हैं, और हम क्या बोलें, आवे जुगलाबाद छोड़ के चला चलता पड़े धरना बैठ रहे कुछ नहीं करता भैया। हम कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता गाँवों की वोटन की हमें जरूरत नहीं है, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता ना वो साफ कहते हैं एक भी किसी का वो नहीं है, अख हमें गांवन की वोटों की जरूरत ही नहीं है। तब तो 24 चुनाव पास में इसका परिणाम भी दिख जाएगा।
परिणाम दिख जाएगा, परिणाम का तो अब जो भी बताएगा समय बताएगा। बाकी इन्होंने कह दी अब हमें गाँव की वोटों की जरूरत ही नहीं है, ये बोलते हैं हमारे यहाँ के MP महेश शर्मा बोलते हैं इस बात को। महेश शर्मा बोलते हैं कि हमें गांव के वोटों की जरूरत नहीं है, सरकार कैसे बना लेंगे फिर? सरकार अब जैसे भी बनेगी उनकी, वो उनका काम है, हमारा तो वोट देना काम है। हम वोट डॉक्टर महेश को तो वोट देंगे नहीं, अगर इन्होंने कैंडिडेट नहीं बदला तो इसको वोट पूरा क्षेत्र ही नहीं देगा। कैंडिडेट कैसा चाहते हैं आप लोग? कैंडिडेट वो चाहिए जो जनता के बीच में रहे, अपने अस्पताल चलाने वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए। जो अपना अस्पताल चला वो कैंडिडेट नहीं चाहिए, जो जनता के बीच में जनता के काम करे वो कैंडिडेट चाहिए हमें। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं मौजूद है बात, ये बताइए जैसे चाचा भी आरोप लगा रहे हैं महेश शर्मा के ऊपर कि कैंडिडेट अगर बदला गया तो वोट BJP करेंगे अन्यथा वोट नहीं करेंगे, जो क्षेत्रीय हो जो लोगों को सुने, लोगों के बीच में आए, यहाँ की जनता की सुने, जनता का विकास करें, गाँव का विकास करें, तो कितना आप इससे सहमत हैं? किसान विरोधी सरकार है, किसानों के कोई काम ना हो रहे, हमारी ज़मीनों पर प्राधिकरण के नाम चढ़ा दी गई बिगर मुआवजे की ज़मीन, जिनका मुआवजा नहीं मिला, सब पे किसान का नाम काट दिया गया है, बताओ क्या करें? किसी को 150 का ज़मीन बेचनी और रजिस्ट्री बंद कर दी गई है, क्या कहाँ जाए किसान? किसान का 10% नहीं कुछ ज़मीन का निस्तारण नहीं किया आबादी का, बताओ क्या करें? बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। तो हमने दिखाया आपको किस्सा कुर्सी का, जिसमें जनता की राय, जनता ने क्या कहा, जनता कहीं महंगाई विभाग रही है तो कहीं यहाँ के सांसद और विधायक, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर वार कर रही है। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।